जिला व पुलिस प्रशासन का नशे के खिलाफ अभियान सराहनीय है। आज शुरू किए गए नशे के हस्ताक्षर अभियान के भी सार्थक परिणाम सामने आएंगे। ये बात नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने धर्मशाला एसपी कार्यालय में नशे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करते हुए कहे। पठानिया ने कहा कि नशे के खिलाफ जारी अभियान में नूरपुर क्षेत्र में 10 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो नशे का कारोबार करते थे। अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं है। अब मछली छोटी हो या बड़ी, सभी पर कार्यवाही हो रही है। जिला व पुलिस प्रशासन का नशे के खिलाफ अभियान सराहनीय है। आज शुरू किए गए नशे के हस्ताक्षर अभियान के भी सार्थक परिणाम सामने आएंगे। ये बात नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने धर्मशाला एसपी कार्यालय में नशे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करते हुए कही। पठानिया ने कहा कि जब तक हम इस अवेयरनेस को यूथ तक नहीं लेकर जाएंगे, एक बार हम लोगों को अवेयर कर दें कि नशा एक बार भी आप ट्राई करोगे तो भी ये जहर है। मार्केट में ड्रग्स का ग्राहक ही नहीं होगा तो नशा बिकेगा कहाँ। नशे की जागरूकता को लेकर एसपी जिला कांगड़ा से अभियान को शुरू किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मिशन कामयाब होगा, मिशन धरातल तक जाएगा और युवाओं में इस बात को लेकर जागरूकता आएगी कि नशे से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। सबसे पहले तो एसपी कांगड़ा को बधाई देना चाहूंगा कि जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है बहुत ही सराहनीय है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी है। एसपी साहब भी यहाँ खड़े, डी साहब भी यहाँ खड़े, बोथ ऑफ देम हैव डन अ वंडरफुल जॉब। और ये जो इनिशिएटिव आज पब्लिक तक जाएगा, अब हर सब डिवीजन पे जाएगा, जब तक हम इस अवेयरनेस को यूथ तक लेके नहीं जाएंगे, जब तक कस्टमर ना मर जाए, जो खरीदने वाला उसी को अवेयर कर देंगे, अगर एक बार आप ट्राई भी करेंगे तभी ये जाहिर है। अगर ग्राहक ही नहीं होगा मार्केट में ड्रग्स का तो ड्रग्स बिकेंगे का। इस औचित्य के साथ एसपी साहब ने इस मिशन को उतारा है। आई विश हिम ऑल द सक्सेस इन दिस मिशन। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस सुंदरता के साथ और जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ ये विषय आज सामने आया है, ये नीचे तक जाएगा, धरातल पे उतरेगा। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए नूरपुर में 15 जिम इंस्टॉल कर दिए हैं। जनवरी से हम एक कैलेंडर जारी करने वाले हैं जिसके तहत हर पंचायत में टूर्नामेंट शुरू करने वाले हैं। वॉलीबॉल का एक ट्रायल किया जा चुका है तथा इसे उच्च स्तर लेकर जाएंगे जिसका समापन जन्माष्टमी के साथ किया जाएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत फर्क पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा करने की जरूरत है और उसी के तहत ही आज कैंपेन शुरू हुआ। ये कैंपेन एक बहाना है धरातल तक जाने का। एक सिग्नेचर से थोड़ा नहीं कुछ होगा, पर सिग्नेचर से कितनी अवेयरनेस है कि इस बात में, जरा आप सोचिए ना, आप साइन करेंगे, खड़े होंगे और इस बात को अपने आप को उसका एक भागीदार बनाएंगे, उसका एक पार्ट बनेंगे, तो आप में एक अवेयरनेस आएगी कि मैं भी इसका पार्ट हूँ, इस कैंपेन का पार्ट हूँ कि ये नशे से हमने दूर रहना है। जब मैं उस पार्ट कैंपेन का पार्ट बन जाऊँगा तो फिर मैं अपने आप इस बात को रियलाइज करूँगा कि नहीं, जब मैं इसका पार्ट हूँ तो मैं बाकियों को भी रोकूँ, खुद तो जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नूरपुर में एक नई पहल के तहत बच्चों को एकत्रित करके गंगा जल उठवाकर कसम दिलाई जाती है कि जिम तभी मिलेगा जब आप नशे से दूर रहेंगे। नशे को भी कभी भी ट्राई ना करने की कसम खिलाई जाती है। अभियान के तहत बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए सौगंध भी खिलाई जाए कि वे नशे से दूर रहेंगे। नशे को बेचने के लिए ड्रग पेडलर द्वारा जो चेन बनाई जाती है उसको एसपी जिला कांगड़ा ने अभियान के तहत पहल करते ये सुनिश्चित किया है कि हम ग्राहक को ही मार्केट में ना रहने दें। मार्केट में कस्टमर नहीं होगा तो चेन कैसे बिकेगी। पठानिया ने कहा कि नशे के खिलाफ जारी अभियान में नूरपुर क्षेत्र में 10 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो नशे का कारोबार करते थे। अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं है। अब मछली छोटी हो या बड़ी, सभी पर कार्रवाई हो रही है। अच्छी बात तो ये है कि जो नशे के साथ पकड़ा जा रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जबकि पहले ऐसे लोग जुगाड़ करके रातों रात जमानत ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जो बड़ी मछलियों की आपने बात की, तो पहली बार शायद जो छन्नी बेली का जो प्रधान है, जो खुद इस काम में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, ही हैज़ बीन बुकड इन 3-4 केसेस इन NDPS ओनली, जस्ट फॉर एनकरेजिंग और इसमें अपना पैसा लगाने के लिए। सो वो प्रोसेस भी चल रही है। बिल्कुल, वो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने उस प्रधान को भी बुक किया और उसको अरेस्ट किया। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।